वेलकम बैक यूएमबी न्यूज देख रहे हैं आप। चलिए जानते हैं कैसे रहेगा प्रदेश के मौसम का हाल। वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में बताइए किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। साथ ही अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। आज का लाइक 500 है, हम उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। आपको बता दें मौसम विभाग का आने वाले 3 दिन झमाझम बारिश का अलर्ट। यूपी में मौसम का मिजाज बदल रहा है। मौसम विभाग का अलर्ट है कि आने वाले 3 दिन यूपी के कई जिलों में भारी बारिश होगी। पूर्वी प्रदेश में चमक के साथ तूफानी हवाओं के चलने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। खासतौर से पश्चिमी यूपी में बारिश की अधिक संभावना है। इसके विपरीत पूर्वी यूपी में 26 और 27 फरवरी को झमाझम बारिश हो सकती है और कई जगह ओलावृष्टि भी हो सकती है। पूर्वी प्रदेश में चमक के साथ तूफानी हवाओं के चलने की चेतावनी जारी की गई है। सहारनपुर के बेहट में गुरुवार देर रात भारी बारिश संग ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि इन 3 दिन मध्यम रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मौसम वैज्ञानिकों का अपडेट है कि यूपी में तापमान के बढ़ने का सिलसिला जारी है। वहीं न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को मौसम थोड़ा गर्म रहा। आने वाले 2 दिनों में बदली छाई रहेगी और यूपी के लिए मौसम विभाग का अलर्ट। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 26 और 27 फरवरी को पूर्वी यूपी में भारी बारिश की संभावना है। वैसे वाराणसी में मौसम साफ रहेगा। प्रयागराज में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कानपुर में भी बारिश की संभावना है। गोरखपुर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अयोध्या में भी मौसम करवट बदल रहा है, बारिश हो सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 26 फरवरी को वैष्णो देवी धाम में बारिश और ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी का पूर्वानुमान है। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला, ऊना, चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली सहित शिमला में भी वर्षा और हिमपात का पूर्वानुमान जताया जा रहा है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी से लेकर अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ के नेपाल से सटे हिस्से में वर्षा की संभावनाएं ज्यादा है। निचले इलाकों में ऋषिकेश और हरिद्वार, नैनीताल में बादल जरूर होंगे लेकिन वर्षा की संभावना काफी कम है। गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख तक बारिश का पूर्वानुमान है। अब मैदानी इलाकों की करें तो काफी सक्रिय मौसम का अनुमान है। अनुमान है कि पंजाब के तमाम इलाकों, पटियाला, लुधियाना से लेकर फरीदकोट, फजिलका, बरनाला, मोगा, संगरूर, इन सभी भागों में कई जगहों पर बारिश देखने को मिल सकती है। अमृतसर और पठानकोट में भी वर्षा की फुहारें देखने को मिलेंगी। हरियाणा में हिसार से रोहतक और राजधानी दिल्ली तक बादल नजर आएंगे। कुछ इलाकों में वर्षा भी हो सकती है। इन बादलों के साथ बिजली चमकने और गर्जना भी सुनाई दे सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और गाजियाबाद में वर्षा होने की संभावना है। मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर के बीच फिलहाल आंशिक बादल दिखाई दे सकते हैं। कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान के कई इलाकों में बादल नजर आएंगे। वहीं बिहार के अलग अलग इलाकों में पिछले 24 घंटों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है और ओले भी गिरे हैं। वहीं बंगाल की खाड़ी से आ रही हवा के प्रभाव के कारण अगले 24 घंटों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, किशनगंज, पटना, वैशाली समेत दक्षिण पूर्व, दक्षिण मध्य और उत्तर पूर्व, उत्तर मध्य के लगभग 15 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम का हाल। पूर्वी उत्तर प्रदेश से पूर्वी भारत तक की स्थिति देखें तो लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी से लेकर गोरखपुर, वाराणसी, बहराइच तक मौसम साफ नहीं रहेगा। पूर्वी हवा का असर इन क्षेत्रों में है जिनमें नमी है। उम्मीद है कि उत्तर भारत से आ रहे बादल का कुछ असर रहेगा और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी का प्रभाव भी रहेगा। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में शुक्रवार को बारिश होने के आसार है। पूर्वोत्तर भारत के कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। मेघालय, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। ओडिशा में भी कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, दादर नगर हवेली, गोवा, दमन और दीव में मौसम शुष्क रहेगा लेकिन कई इलाकों में आंशिक बादल देखने को मिल सकते हैं। वहीं विदर्भ के कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी हो सकती है। ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। हम आपको हर रोज ताज़ा अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए यूएमबी न्यूज़।